महापौर के जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी श्रीमती माला सिन्हा, उनके पक्ष में वोट देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारे पटना जिले के जितने भी नाई बंधुओं हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप जिस तरह से विश्वास के पात्र लोगों के बीच में हैं बने हुए समाज का, ठीक उसी तरह से अपने विश्वास के साथ माला सिन्हा को वोट देकर आप वोट दिलाने का काम करें। पूरे सदस्यों के साथ हम माला सिन्हा जी को भारी से भारी मत अपने सदस्यों के समर्थन करते हुए उनको भारी से भारी बहुमत से सेविन को महापौर के लिए वोट देकर और इनको विजय बनाने का आज हम घोषणा करते हैं। उनके ओर से हमारे कारू रजक जी अध्यक्ष जो हैं वो अपना समर्थन देना चाहेंगे। वार्ड को ग्रीन वार्ड क्लीन वार्ड बनाए हैं तो अपने पटना को भी ग्रीन पटना क्लीन पटना स्मार्ट पटना बनाएंगे, सेवा करेंगे, काम करेंगे और हमें विश्वास है कि हम इनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। हम लोग पूरे टीम के साथ बिहार प्रदेश के महामंत्री के रूप में बैठे हुए हमारे ज्ञान जंतुल मदन ठाकुर जी और पहले से ही महापौर के जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी श्रीमती माला सिन्हा, उनके पक्ष में वोट देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ईमानदारी पूर्वक से हमारे पटना जिले के जितने भी नाई बंधुओं हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप जिस तरह से विश्वास के पात्र लोगों के बीच में हैं बने हुए समाज का, ठीक उसी तरह से अपने विश्वास के साथ माला सिन्हा को वोट देकर आप वोट दिलाने का काम करें। मैं इनसे आग्रह करता हूं सभी लोगों से और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि जिस तरह से हम लोग एक कस्टमर के साथ 15 से 20 मिनट से एक घंटा तक जिस तरह से समय देते हैं, उस समय में दरमियान में हम लोग प्रत्येक दिन कम से कम 50 को वोट बना सकते हैं हर एक सैलून से, क्योंकि एक सैलून में 4-5 आदमी लेबर भी काम करते हैं। अगर 10 आदमी को एक लेबर अगर मैनेज करते हैं तो कम से कम हम लोग प्रत्येक दिन 50 को वोट मैनेज करते हैं एक दुकान में। इस तरह से हम लोग वोट बनाने के भी काम करें और हमारे समाज का भी वोट पटना की धरती पर 70,000 लमसम वोट है, इसलिए मैं एक एक वोट करके मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि माला सिन्हा के पक्ष में जाए और जब यहां से आप लोग जाएंगे तो अभी से ही भी अपने अपने कर्तव्य के साथ माला सिन्हा के नाम से प्रचार करें। अपने सुख सुविधा जैसे मिलता है दुकान से घूम के, हम तो इनसे आग्रह भी करेंगे कि अगर आप गाड़ी देंगे तो हम लोग एक हमारे संगठन का पदाधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारी का एक टीम बना देंगे। पूरे सदस्यों के साथ हम माला सिन्हा जी को भारी से भारी मत अपने सदस्यों के समर्थन करते हुए उनको भारी से भारी बहुमत से सेविन को महापौर के लिए वोट देकर और इनको विजय बनाने का आज हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद। और इसके अलावे हमारे पटना जिला रजक समिति के जो अध्यक्ष हैं कारू रजक जी, जो इनके नेतृत्व में पूरा पटना काम करता है, समाज के लोग हैं, वो उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो अपने संगठन की ओर से जो पटना में कार्यरत हैं उनके ओर से हमारे कारू रजक जी अध्यक्ष जो हैं वो अपना समर्थन देना चाहेंगे। हमारे मंच पे भी बड़े भाई हैं, सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। अभी आज जो महानगर संघ के जो हैं रजक परिवार, रजक जो समाज, परिवार नहीं समाज, रजक समाज और महानगर का जो नाई संघ समाज है, नाई का जो पूरा समाज है, तो ये दोनों समाज, नाई समाज और रजक समाज, दोनों आज हमें समर्थन कर रहे हैं कि माला सिन्हा अच्छी प्रत्याशी है और 5 साल काम करके दिखाई है, इसलिए इन लोग मेरा साथ दे रहे हैं कि आप मेयर के लिए अच्छी उम्मीदवार हैं और इनको विश्वास है हम पे कि हम कर सकते हैं अच्छा काम। जैसे अपने वार्ड को ग्रीन वार्ड क्लीन वार्ड बनाए हैं तो अपने पटना को भी ग्रीन पटना क्लीन पटना स्मार्ट पटना बनाएंगे, इनको विश्वास है हम पे। और मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप छाप
क्रमांक संख्या 15 और 28 तारीख को वोटिंग है और धीरे धीरे करके हर समाज जुड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे और अपने जनता के लिए दिन रात सेवा करेंगे, अपने पटना नगर निगम के लिए दिन रात सेवा करेंगे, काम करेंगे और हमें विश्वास है कि हम इनके विश्वास पे खरे उतरेंगे, क्योंकि काम किए हैं तो हमें अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं कि मतलब हर एक दिन एक समाज हमसे जुड़ रहे हैं, हर एक दिन एक समाज जुड़ रहे हैं, तो ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं और हम जीतेंगे ये विश्वास है और काम करके दिखाएंगे भी अपने पटना के लिए बदलाव लाएंगे और अपने जो समाज के जो गरीब हैं या फिर हमारे कहते हैं ना कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान जो है, तो हमारे पटना में ये सफल नहीं हुआ है। हर जगह कितना परसेंट हुआ ये नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पटना में क्योंकि हम पटना नगर निगम में 5 साल जुड़े रहे हैं, काम किए हैं, तो स्वच्छ पटना हमारा नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे अगर आते हैं, हम इनके विश्वास पे खरे उतरेंगे और पटना को स्वच्छ पटना बनाएंगे, ग्रीन पटना, क्लीन पटना बनाएंगे और हमारे सरकार से जो फंड आते हैं हमारे गरीब जनता के लिए, सब जनता के लिए, वो ईमानदारी पूर्वक इनके घर तक पहुँचाया जाएगा। चाहे वो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो बिजनेस के लिए रोजगार योजना है वो सफल नहीं हुआ है, उसको सफल बनाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय पे जो है कि कच्ची नाली गली, हर घर नल जल योजना या क्रेडिट कार्ड युवा के लिए बहुत सारा है, लोन